हाय बच्चों, बंद पद का दूसरा भाग मैं आपके बीच रख रहा हूं। जब पिछले पद्यांश में मैंने बताया था कि सीता जी की मार्मिक भावों को देख करके पुरुषोत्तम राम जी रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू बरसने लगा। जब वहां से चलते हैं राम, लक्ष्मण और सीता जी, तो तीसरे पद्यांश में रानि मैं जानि अनजानि महा पविपाहन हूंत कठोर ही वो है। ये रास्ते में जाते समय जो नगर की अन्य स्त्रियां हैं, वो स्त्रियां कह रही हैं कि रानि मैं जानि अनजानि महा पविपाहन हूंत कठोर ही वो है। वो कह रहे हैं कि कैकई रानी तो बड़ी हृदय कठोर वाली है, रानी अनजानी, रानी अनजान बन करके कठोर हृदय वाली बन गई है, पाहन में कठोर हृदय वाली बन गई है। राजहु काज न जाने हो कहो तिहु जिन कान कियो है। आखिरकार ये राजमहल में रहने वाले सुकुमार हैं और राजा दशरथ भी अपनी पत्नी के कारण वो भी बुद्धहीन हो गए, और राजा वो काज न जाने हो, राज के काज हेतु कहो तिय को जिन कान कियो है, तिय मैंने हृदय को लगाने वाले अपने इन सुकुमारों को इन्होंने बल भेज दिया। और ऐसी मनोहर मूरत ये बिछड़ो कैसे प्रीतम लोग जियो है। इतने सुंदर सुकुमार को ये बल भेजकर इतने मन को मोहने वाले इनकी मूरत है, सुंदरता है, सुकुमार है, बिछुनो कैसे प्रीतम लोग जियो। आखिरकार इनसे बिछड़ करके इनके प्रियतम लोग, इनके प्रिय लोग, इनके घर के लोग कैसे वो जिंदा होंगे, कैसे वो जीवित होंगे। आखिर में सखी राखी में जोग इन्हें की कौ बनवास दियो। आखिरकार आपस में वो ग्रामीण औरतें कह रही हैं कि हे सखी, आखिरकार ये इनके घर के लोग राखी में जोग इन्हें, ये तो आंखों में बसाने योग्य हैं, किनके बनवास दियो। आखिरकार इनको क्या कारण है कि जो इन लोगों को ये लोग क्या कर दिए, बनवास दे दिए, बल को भेज दिए। और आगे आगे बढ़ते हैं तो ग्राम की औरतें, गांव की स्त्रियां कुछ कह रही हैं, क्या कह रही हैं, शीश जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछीसी भाव है। एक स्त्री, एक औरत सीता जी से पूछ रही है कि शीश, जिसके शीश पे सिर पे जटा है, उर हाथ बाहु विशाल है, बिलोचन बड़ी सुंदर आंखें हैं, लाल उनकी आंखें हैं, तिरछी भौंह सी है, वो तुम्हारे कौन है। सीता जी से गांव की औरतें पूछ रही हैं कि जिनके सिर पे जटा है, जिनकी आंखें लाल है, अपने कंधे में तरकस बाण दिए हुए हैं, वो कौन है। सूर सरासन बाण धरे, तूल सरासन बाण धरे, जो तरकस में बाण रखे हुए, धनुष को सवारे हुए, तुलसी बाण मारक में सुत सोए, जो धनुष को टांगे हुए हैं और बड़े ही सुंदर सुशोभित लग रहे हैं, वो आपके कौन है। सादर बार ही बार सुभाए चितय तुम क्यों हमसु मौन मोहे, मन मोहे, जो सावले रंग के हैं, जो उनके उनका स्वभाव, उनका मन ऐसा लग रहा है जो मन को मोह लेने वाला है। गांव की औरतें सीता जी से कह रही हैं कि उनका रूप रंग जो है, उनकी सुकुमारता जो है, ये मन को मोह लेने वाली है। पूछत ग्राम वधु सियसो, वो गांव की औरतें सीता जी से पूछ रही हैं, कहो सांवरे से सखी रावरे कौन है, वो जो सांवरे से दिखाई दे रहे हैं, हे सखी वो आपके कौन है। जब इतनी बात को सीता जी सुनती हैं तो कहती हैं, सुन सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जान की जान भले। जब इतनी बातों को सीता जी सुनती हैं तो सुन करके सुंदर बैन मैंने बातों को,
सुधारस मैंने अमृत स्वरूप बाड़ियों की औरतों की बाड़ी, अमृत स्वरूप औरतों की बाड़ी सुनकर के जानकी जी इस बात को समझती हैं कि ये हमको हमसे किसके बारे में पूछ रही हैं। तिरछी कर दे सैन तिन्ह समझाए कहो मुस्काए चली। अब वो अपने मुख से नहीं बता रही हैं बल्कि तिरछे कर दे सैन यानी पुरुषोत्तम राम के तरफ अपनी आंखें तिरछी करके और मुस्कुरा करके चल देती है। तुलसी ते अवसर सोहे सब अवलोक अवलोकति लोचन ला हो गले। जब तिरछी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तिरछी भौहें करके आंखों को करके सीता जी ने जब राम के तरफ देखी और देख करके मुस्कुरा दिया तो सारे गांव की जो औरतें हैं वो समझ जाती हैं अनुराग तड़ाग, वो समझ जाती हैं अनुराग तड़ाग में भान उदय विदसी मनो मंजुर कंज कली। जैसे मालूम है सब हो रहा है, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जैसे राम रूपी भानु, भानु माने सूर्य, राम रूपी सूर्य जो तड़ाग माने तलाबों में उनकी किरणें विकिरण होकर के उदित हो रही है और उदित होकर के मानो जो गांव की औरतों का जो पूछने का जो सवाल था वो कह रहे हैं इसमें कि गांव की औरतों के जो नेत्र रूपी कमल है वो सुंदर कलियां अर्थात खिल गए और खिल करके उनके जीवन को क्या बना दिया, सफल बना दिया। वो औरतें उन्होंने पूछा और वो तिरछी भौहें करके सीता जी ने पुरुषोत्तम राम के तरफ देखा और मुस्कुरा दिया और इतनी क्रिया करने के बाद सारी गांव की औरतें समझ जाती हैं कि ये इनके पति हैं और सभी औरतों का मन रूपी जो कमल था वहां तालाबों में राम रूपी भान के उदय होने से गांव की जो औरतें हैं जो गांव की स्त्रियां स्त्रियों का जो कमल रूपी मनोकामना है वो खिलता है और औरतें समझ जाती हैं और राम लक्ष्मण और उनकी पत्नी वन को चले जाते हैं। ये आपका जो है वन पद का जो ये पद्यांश था ये खत्म होता है और इसके अगले पार्ट से ये पार्ट दो था, ये पार्ट दो का ये वन पद था और इसके पहले हम लोगों ने धनुष भंग पढ़ा था, धनुष भंग के बाद उसी पार्ट में ये वन पद पर ये भाग दो है। इसके पहले मैंने एक भाग आपके लिए भेजा था, ये आपको समझ में आया होगा और इसके आगे की वीडियो हम तीसरे अध्याय में लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।